हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज एक और नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है तो यार सोचा तो मैंने भी नहीं आज काहे का होगा, बस जहाँ पे जो करते रहेंगे उसकी वीडियो डालते रहेंगे। बहरहाल आज जो है संडे है तो अभी हाँ तुझे भी आ जा, तू भी आ जा। अब बता बता रहे, तेरे बिना तो ब्लॉग पूरा नहीं होता ना, है ना। तो भाई अभी फ़िलहाल में सुबह का टाइम हो चुका है, नाश्ता वगैरह कर लिया है। आज जो है ना, आज थोड़ा सा एक प्रोग्राम भी है हमारे साली के यहाँ पर, तो वहाँ पर जाएंगे टाइम निकाल के। और अभी तो फ़िलहाल में कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, थोड़ा उधर भी जाएंगे, कब्रिस्तान दिखाऊंगा मैं आपको हमारे यहाँ का। उसके बाद आगे का जो अरे क्या मत कल चली तो गई थी कहाँ पे पूल पार्टी करेंगे। तो भाई जामा मस्जिद में ना यार कल काफ़ी ज़्यादा उधर पानी भर रहा था लाल किले के पीछे की तरफ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग नहा रहे थे। इसने भी वहाँ पर ही खड़ी होकर के मैं भी नहाऊँगी ये हाँ देखा था कल पानी वहाँ पे कितना था, उसमें तो डूब जाती जरा सी। तो तू है सही, अच्छा तो चलो भाई अभी यहाँ पर ब्लॉग को रोकता हूँ, आगे बाहर चलते हैं और उसके बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। तो गाइस देखो ये है हमारे यहाँ का कब्रिस्तान, भाई बिल्कुल शांत, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और ये भाई काफ़ी लगभग कई कॉलोनियों में एकमात्र ये कब्रिस्तान, और काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, ऐसा नहीं कि छोटा सा कब्रिस्तान है, भाई बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और यहीं पर पास में ईदगाह भी है। तो यहाँ पर आप देखो भाई हरियाली काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर गर्मी वर्मी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है यहाँ पर जैसे आते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बादल काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं, और यहाँ पर देखो कब्रें जो है ना जो ताज़ी बनी हुई थी वो बारिश की वजह से यहाँ पर ढह गई हैं। तो होता क्या है यहाँ पर जैसे जो ताज़ी होती हैं उनमें मिट्टी ला के बाहर से वो डाल दी जाती है जिससे कि वो सही हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, और जब एक साइड भर जाती है ना यहाँ पर, तो ये जितनी भी घास आपको देखने को मिल रही है ये सारी उसके बाद काट दी जाती है, उसके बाद वहाँ पर दोबारा से कब्रें स्टार्ट होती हैं। तो गाइस देखो यहाँ का जो कब्रिस्तान है ना भाई है वो काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर आप देखो बिल्कुल लास्ट में जाकर यहाँ पर हमारी दादी की कब्र है जहाँ पर मैं आता रहता हूँ। तो ये कब्रिस्तान आप देखोगे बहुत बड़ा है, और काफ़ी कई कॉलोनियों का यहाँ पर लोगों को ला के दफनाया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी देखो कब्रिस्तान में आके थोड़ा सुकून मिलता है, आपको आना चाहिए हफ्ते में एक दो बार। मेरा क्या काम है, मैं क्योंकि मैं अपना जो कारखाना है मैं उधर इधर से ही जाता हूँ वहाँ पे कब्रिस्तान की तरफ से होते हुए, तो मैं डेली का यहाँ पर आना जाना होता रहता है डेली, नहीं तो यार या तो मैं डेली आता रहता हूँ नहीं तो कम से कम यहाँ पर ना मैं हफ्ते में एक आध चक्कर तो मेरा लग ही जाता है, एक दो चक्कर तो मेरे लग ही जाते हैं। और पीछे आप देख रहे हो पीछे है ये ईदगाह, ठीक है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ईदगाह हमारे यहाँ की कब्रिस्तान से सटी हुई है, ये दिखा देता। तो गाइस यहाँ पर आप देखो ये ईदगाह हमारे यहाँ की देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़ी है भाई। और यहाँ पर पहले क्या था, पहले एक बार होती थी नमाज, लेकिन अब जो है ना यहाँ पर दो बार नमाज होती है, यानी कि एक 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 घंटे या आधा आधे घंटे के अंतराल में यहाँ पर नमाज होती है। तो भाई चलो यहाँ का तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अभी चलते हैं वापस से घर पर और वहाँ पर जाकर तैयार होते हैं, ठीक है प्रोग्राम में जो प्रोग्राम है उसमें जाएंगे। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और भाई अब हो गया है नमाज का टाइम। तो भाई अब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और घर से हमारे हर संडे को मस्जिद में इमाम साहब के लिए और मौज़िन साहब के लिए खाना भी ले जाता है। तो भाई हम तो देखो जैसे आज प्रोग्राम में जा रहे हैं तो घर पे कुछ बनाया नहीं है, तो अभी क्या करेंगे बाहर से बिरयानी लेकर आऊँगा मैं, और वो बिरयानी इमाम साहब और मौज़िन साहब को देकर आऊँगा। और यार ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। हाँ भाई क्या हो गया तुझे, क्या हो गया बता बता क्या हुआ भाई। ये खिलौनों के लिए परेशान हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले गली में खिलौने वाले आए थे तो एक खिलौने की जिद करके बैठी हुई है कि खिलौने चाहिए। और यार बहुत सारे इसके पास पहले से ही खिलौने हैं लेकिन ये फिर भी मानती नहीं, बता क्या चाहिए, खिलौने चाहिए। चलो भाई अभी चलते हैं 25 फुटे पर, आगे का ब्लॉग वहीं का। तो भाई बिरयानी लेकर आ चुके हैं यहाँ पर, और भाई बिरयानी आपके यहाँ पर कितने रुपए किलो आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यार ये इसने पहले बताया नहीं था कि इसे भी चाहिएगी, और अब ये भुक्कड़ अब ये रो रही, इसे भी चाहिए। और हाँ
चाहिए तो ये भी तू शाम तू शाम को खाइए वहाँ पे जाके सारा। अरे वहाँ पे खाइए जाके तू नहीं ये तो इमाम साहब खाएंगे, इमाम साहब के लिए जाएगी ये। नहीं और क्या बेचू उनके लिए बता सालन रोटी तो खा ले वो। अच्छा और ये सारे तो खा लेगी। चलो भाई ठीक है। तो गाइस तैयारी हो चुकी है शाम के प्रोग्राम की। भाई तैयार हो चुके हैं, कपड़े वपड़े बदल लिए हैं। अभी यहाँ पर ना एक हंगामा घट रहा है भाई। जब यहाँ पर कई दिनों से काफ़ी टाइम था ना, जब से गर्मी आई है जब से सैंडल वगैरह जूते वगैरह सारे के सारे उठा के रख दिए क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती नहीं भाई। चप्पलों में गुजारा हो रहा है, जहाँ पर भी जा रहे हैं चप्पलों में जा रहे हैं। तो अब जैसे डब्बे खोल रहे हैं तो उनमें चुइयाँ निकल रही हैं, चुइयों के बच्चे निकल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखो ये कितनी सारी चुइयाँ इकट्ठी हुई पड़ी हैं भाई यहाँ पर। जब कोई सी चीज़ कभी कभार निकलती है ना तब यही हाल होता है यहाँ पर। आप देखो ये देखो भाई। तो यार जब से गर्मियाँ आई हैं तब से ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं, ये अपने आप रखी हुई हैं आराम से। तो अब यूज़ कर रहे हैं, अब पता चल रहा है। चलो प्रोग्राम पे पहुँचते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम है उस्मानपुर की तरफ। तो अब वहाँ पर फटाफट पहुँच। तो भाई देखो यहाँ पर सामान कितना ज़्यादा जा रहा है भाई, क्योंकि भाई लड़का हुआ था तो वहाँ पर अभी प्रोग्राम रख रखा है, उन्होंने अकीका कर रहे हैं तो भाई उसमें सामान वगैरह भी देना होता है। तो ये इतना सारा सामान एक रिक्शा भर के सामान जा रहा है। तो भाई जब से ये सारा सामान लेकर आए थे ना हम, ये हमारे बच्चों की नानी भाई, इन्होंने भी तब से रोज़ 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 के भाई हमें भी ला के दो खिलौने, हमें भी साइकिल ला के दो, हमें भी ये ला के दो, वो ला के दो भाई। तो गाइस फाइनली देखो हम आ चुके हैं जहाँ पर प्रोग्राम है उस जगह पर। अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी कोई नहीं आया, पहले आके हम ही बैठे हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर देखो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, 200-250 लोगों का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हो रहा है ये उस्मानपुर की तरफ प्रोग्राम हो रहा है। तो भाई अभी देखो लगभग 8:30 बज चुके हैं, तो अभी तो खाना का टाइम पर मिल जाता। हाँ भाई कहाँ घूम जाइए अब तो घूम गया, अब घर जा रहे हैं। देख अंधेरा कितना। रात हो रही ना, सही से क्या करो, अब अंधेरे में तो ऐसे ही आएगा। दिख रहा नहीं? दिख रहा है ना? कहाँ दिख रहा? तो भाई फाइनली आज का दिन हो चुका है कंप्लीट। और जहाँ पर प्रोग्राम में गए थे प्रोग्राम भी हो चुका है भाई। खाना वाना कुछ नहीं खाया वहाँ पर, क्योंकि मेरी जो लड़की है ये इसकी दवाई चलती है तो एक टाइम टेबल के हिसाब से घर पे आना पड़ता है, 9 बजे तक के घर पे आना पड़ता है। तो जहाँ पर इसीलिए वहाँ पर खाना स्टार्ट नहीं हुआ था 9 बजे तक, तो भाई वहाँ से उससे पहले ही हम निकल आए। और बाकी अपने लिए खाना वगैरह जो है ना बाहर से लेकर आना पड़ा है, तो वहाँ तक गए भी, वहाँ पर कुछ खाया भी नहीं। तो इस तरीके से करके आज का ये पूरा दिन कंप्लीट हो गया है। और भाई ये बच्चे भी आते ही दोनों सो गए। तो चलो आज का व्लॉग करता हूँ पूरा, कल सुबह आपको 9 बजे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप पूरे को वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। डेली के डेली आपको सुबह 9 बजे आपको व्लॉग हमारा मिलता रहेगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।